दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जे 2024 का एग्ज़ाम चल रहा था और ये आपका 5 जून, 6 जून, 7 जून को एग्ज़ाम आपका संपन्न हुआ। अब सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो खासकर मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लेकर के बात करूँगा कि जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो सिविल से संबंधित हैं, उनके बारे में हम लोग बताएँगे यहाँ पर कि पेपर का पैटर्न क्या रहा, कैसे चीज़ें रहीं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए हमको कैसे तैयार होना पड़ेगा। जो भी एसएससी जे 2025 की तैयारी करेगा उसको लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या उस तरीके से तैयारी करें, तो यहाँ पे हम लोग सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। 5 जून, 6 जून और आपका 7 जून, इन 3 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये बात है 2024 की एसएससी जे एग्ज़ाम की, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका हुआ 5 जून को, 6 जून को हुआ और आपका 7 जून को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। सिविल की बात करेंगे तो 5 की मॉर्निंग में हुआ, 6 को मॉर्निंग में हुआ और 6 की इवनिंग मतलब थर्ड शिफ्ट में आपका हुआ और 7 की मॉर्निंग में हुआ। तो कुल आपका 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो लोग अभी पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो मतलब इस बार पहली बार अटैम्प्ट अपना एग्ज़ाम दिए होंगे, तो थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हुई होगी। और बाकी जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आएगी। जो पहली बार अटैम्प्ट अभी दे रहे हैं उनको हो सकता है कुछ मेरी बातें ना समझ में आए, और जो 2-3 साल से एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि उनको मेरी बातें समझ में आएगी। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रह रहा है और हम तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हमारा जो तैयारी का तरीका है उसको बदलना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे शिफ्ट एनालिसिस की, कि जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उनका क्या रहा है, क्या उनका तरीका रहा है एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 5 जून को, जो भी आपको 5 जून को या 6 जून को, 7 जून को एग्ज़ाम हुआ है, मैं तीनों शिफ्टों की अगर बात करूँ, सबसे पहले बात करूँगा रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग सबके मुँह से यही निकल रहा है, रीजनिंग इज ईजी। तो रीजनिंग में ही काफ़ी लोगों ने स्कोर किया है, तो ये मान के चलते हैं यहाँ पर सभी लोग 50 नंबर का स्कोर कर रहे होंगे, 50+ मतलब 50 नंबर का यहाँ मान लीजिए स्कोर, क्योंकि बहुत से काफ़ी लोग रीजनिंग इजी बता रहे हैं। और रीजनिंग इजी इसलिए बता रहे हैं कि अगर जो बंदा 2022 का और 2023 का पेपर दिया होगा उस हिसाब से ये पेपर काफ़ी रीजनिंग का इजी था। 2022 में, 2023 में जो रीजनिंग आपकी आई थी उस हिसाब से रीजनिंग काफ़ी इजी थी। पर रीजनिंग इजी का मतलब क्या होता है, इजी तो होती है, अब इजी इसलिए है जी क्योंकि 22 और 23 में जो क्वेश्चन आपके आए थे वो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। इन द सेंस मतलब क्या होगा कि मतलब आपने कोई कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन उठाया, आपने सोचा कि हाँ पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से, इसी प्रकार अगले में हो रहा होगा, पर ऐसा 2022 और 23 में नहीं होता था। वहाँ कुछ घुमावदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, पर इस बार क्या हुआ है, 2023 के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो भी क्वेश्चन आए हैं 2023-2024 के अंदर, जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं वो एक ही बार में बन रहे थे। मतलब आपने सोचा, जैसे मान लो आपने सोचा कि हाँ मान लो बी लिखा है, सी लिखा है और यहाँ पे दे दिया डी और दे दिया और आपको दे दिया यहाँ पे एफ, मतलब कि 2+2=4 हो रहा है और 3+3=6 हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछे MN का संबंध क्या होगा तो आप खटाक से निकाल दोगे। तो मतलब इस तरीके से इजी रीजनिंग क्वेश्चन थी, और इसमें भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे। मान लो अगर आपने एक बार अपना माइंड लगाया, अगर आपके दिमाग में हिट कर गया, तो वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है, समय चल रहा होता है, और वो आप टेस्ट जब देते हो कमरे के अंदर बैठ के देते हो, मोबाइल पे देते हो या लैपटॉप पे देते हो, एक कमरे में बैठे रहते हो, मान लो टेस्ट बुक में दे रहे हो या किसी की एप्लीकेशन पे दे रहे हो, किसी की वेबसाइट पे दे रहे हो, टेस्ट में नंबर नहीं आया तो ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। पर जब रियल एग्ज़ाम होता है वहाँ ये डर रहता है, अगर नहीं होगा, नंबर कम आया तो साल ख़राब जाएगा। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें फैक्टर डिपेंड करती हैं, जो आप चीज़ें 30 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर यहाँ पे अपने घर पे बैठ के कर रहे थे, वही 35 मिनट आपका 45 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है या 40 मिनट में कन्वर्ट। बहुत ज़्यादा भाई हो आप धुरंधर तो 40 मिनट मान लीजिए, नहीं तो 45 मिनट बहुत से लग जाता है, और लोगों को 50 मिनट भी लग जाता है रीजनिंग के अंदर। तो ये अलग अलग वेरी करता है। तो यही रीजनिंग का पेपर जो अभी पहली बार बच्चा तैयारी किया होगा, जिसका हो सकता है सिलेबस पूरी तरीके से तैयार ना हो रहा हो,
अगर उस बच्चे से पूछोगे तो वो बच्चा बोलेगा रीजनिंग यार भाई टफ थी। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी पूरा नहीं, तो रीजनिंग उसको टफ लगेगी, या हो सकता है एक ही बार पढ़ा हो, प्रैक्टिस अच्छी ना हो। तो मतलब प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस कहने मतलब है कि आप क्वेश्चन का सेट लगाए रखे हो, मतलब क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस किए हों, तब आपकी जाके रीजनिंग वहाँ बनेगी। रीजनिंग आसान थी, समय लग, कोई भी चीज़ आसान होगी भैया क्वेश्चन तो करोगे, कुछ तो थोड़ा बहुत उसमें करो, समय तो लगेगा ही। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि 22 और 2023 की अपेक्षा जो इस बार 2024 में रीजनिंग आई थी, सभी शिफ्टों में अगर जो रीजनिंग आई थी वो अमूमन आसान थी। किसकी अपेक्षा? 22 और 23 की अपेक्षा। और हो सकता है 2024 की रीजनिंग काफ़ी लोगों को टफ भी लगी हो, जिनका हो सकता है अभी तक सिलेबस ना पूरा हो, या हो सकता है इनकी तैयारी ना रही हो, जिन्होंने प्रैक्टिस कम की हो, तो वो अलग बातें हैं, उनको भी ऐसा अनुभूति हो सकती है। बाकी जो तीन चार साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक अंदाज़ा लग गया है कि हाँ पैटर्न कैसा आ रहा है, तो इस बार वो रीजनिंग में गदगद हैं, खुश हैं, हम भी खुश हैं क्योंकि हम भी 50 में 50 करके आए हैं रीजनिंग में। और मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले रीजनिंग ही अटेम्प्ट करता हूँ, और रीजनिंग में मैंने 40 मिनट लगा दिए थे, और उस 40 मिनट में 40 मिनट लग गया था लगभग, 47 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो चुका था, 3 क्वेश्चन मेरे बचे थे, तो मैं शिफ्ट हो गया था टेक्निकल के ऊपर, टेक्निकल किया। फिर उसके बाद टेक्निकल जीएस से जो समय बचा, तीन क्वेश्चन बचे थे, मैंने आके उसको भी निपटा दिया, ठीक है, मतलब इसी में मैंने कर लिया था, तो लगभग 50 क्वेश्चन मेरे बन गए थे। मेरा जो एग्ज़ाम था 7 जून आज ही था, और मॉर्निंग शिफ्ट मेरे एग्ज़ाम थी, तो रीजनिंग मेरी जो थी इस तरीके थी रीजनिंग के। अब जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो गलत हैं, सही हैं, क्या हैं क्या नहीं, अटेम्प्ट तो मैंने 50 कर दिया है, काफ़ी लोगों ने 50 किया है, क्योंकि देखो बन रहे थे क्वेश्चन, बनते चले गए, मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। देखो रीजनिंग में क्या है, यहाँ पे हो सकता है गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे आप अपने साथ धोखा नहीं कर सकते। रीजनिंग में ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, आपने कोई वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग खेली, मतलब कोई भी एनालॉजी की, कोई भी सीरीज चलाई, तो आपका अगर बन गया तो वो ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा, तभी आपके अंदर से वो आएगी कैपेबिलिटी कि हाँ इस ऑप्शन को आगे लगा करके तब आगे बढ़ जाएं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो आप जीएस और जीके के तरीके, टेक्निकल के तरीके हल्का 50-50 नहीं खेल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम डायरेक्ट, ये तो हम सांप के मुंह में हाथ अपना डाल रहे हैं। तो इसीलिए रीजनिंग अगर जिसने 50 क्वेश्चन किया है, तो ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर आप इतना करके आए हो तो आपको मान लीजिए 44-45 नंबर तक आराम से आ जाएंगे, जो गलत भी होंगे तो, क्योंकि इसमें क्या होता है अपने साथ कोई धोखा नहीं दे पाते, जैसे कहते हैं ना कि पारदर्शिता होती है, तो रीजनिंग में आपके ज़्यादा गलती नहीं होगी, गलती जो आपके क्वेश्चन होंगे टेक्निकल और जीएस में होंगे। तो 50 क्वेश्चन अगर आपने किया है तो मान के चलिए अगर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो फिर आपके नंबर 40 प्लस तो रहेगा ही, हर हाल में 40 प्लस नंबर रहेगा। तो ये एक, बाकी जिन लोगों ने 44-45 किया है उनके भी नंबर, देखो ऐसी बात नहीं है कि जिन्होंने कम किया है ऐसी बात नहीं, हो सकता है उनके सही हो पूरे, जिन्होंने कम अटेम्प्ट किया है हो सकता है उनकी एक्यूरेसी, मतलब उन्होंने उतना ही किया हो जितना उनको समझ में आया हो, तो जितना अगर जिन्होंने कम अटेम्प्ट कर पाए रीजनिंग में तो जितना उन्होंने किया होगा लगभग अमूमन उनका सही होगा, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के मान लीजिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने 50 किया है क्वेश्चन गलत होगा तो अभी आप उनके बराबर आ जाओगे, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो वाह 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 अच्छी बात है। ये बातें हो गई रीजनिंग को लेकर के, और रीजनिंग जिस तरीके से पेपर था लगभग सभी लोग अपना 50 क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे, सब लोग बना रखे हैं, आपने भी बनाया होगा। अब बाकी आप बता सकते हैं आपकी बातें, आपको क्या लगा। तो मुझे जो लगा मैं अपने बता दिया कि रीजनिंग कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। तो मैं आप बताऊँ कि रीजनिंग में कितना लोग स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में अगर आपका बेहतर प्रदर्शन रहा तो आप 50 में से 48.75 मैक्सिमम इतना स्कोर कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम तो आप 50 में 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन, जिससे मान लो कोई ऐसा है जिसके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, 1 क्वेश्चन गलत हुआ इतना आ जाएगा, ठीक है। या आप मान लीजिए कि एवरेज जो नंबर जाएगा इसमें, एवरेज बता देता हूँ कि एवरेज जो लोगों के नंबर इसमें आएंगे वो आपके 40 से लेकर के 45 के बीच में रहेंगे, एवरेज लोगों के नंबर, एवरेज जो होगा रीजनिंग का जो एवरेज नंबर होगा वो 40 से 45 के बीच में होगा, जिसने रीजनिंग को टाइम दिया होगा, थोड़ा बहुत 1 घंटा प्रैक्टिस की होगी, तो उसके नंबर 40 से 45 के बीच में आ जाएंगे रीजनिंग के अंदर। ये बातें निकल के यहाँ से आती हैं, और मैक्सिमम मैंने बता दिया 48 नंबर तक लोग भी जा सकते हैं, मैक्सिमम 50 नंबर भी ला सकते हैं। अब आंसर की आती है, तब डिपेंड करेगा कितना आता है कितना नहीं, ठीक है।
और जो GKGS है, GKGS मैं आपसे कहूँ कि GKGS का जो पैटर्न है वो जैसे है हर बार ही आता है, करंट अफेयर उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है, GS भी क्वेश्चन पूछता है तो उठ पटांग पूछ लेता है, लेकिन इंसान 30 से 35 क्वेश्चन तो करके आता है, ना चाहते हुए भी 30 क्वेश्चन तो करके आएगा। अब उसको पता है 10 को 10 नंबर, और मान लो बहुत भाई जिसको एकदम अपने टेक्निकल और रीजनिंग पे तगड़ा विश्वास है कि अगर हम टेक्निकल में 80 करेंगे तो हमारा 80 आएगा, अगर हम रीजनिंग में 50 करेंगे 50 आएगा, तो 8 × 5 = 13 = 130, तो बस जो एकदम बिल्कुल तगड़ा होता है वो GS में 10 ही क्वेश्चन करता है या 5 से 10 नंबर करता है, बस उसके 5 से 6 नंबर सही हो जाते हैं। तब भी मैंने देखा है काफ़ी लोग जो टेक्निकल रीजनिंग जिसकी अच्छी होती है तब भी 20 क्वेश्चन तो करते हैं, उनको कम से कम 4 से 5 नंबर का यहाँ बेनिफिट मिल जाए, इसलिए मैंने देखा है। तो GKGS हर बार ऐसी ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं उसमें है जो हर बार GS का क्वेश्चन कहीं से पूछ लेता है। इस बार थोड़ा कुछ क्वेश्चन जैसे थे कॉमन चल रहे सब में, DPSP हो गया, पोल्ट्री के क्वेश्चन कुछ होंगे, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आसान थे जैसे 9.8 m/s² मेरे में आया था, फिर एक एक क्वेश्चन आया था s = ut + ½ t² ऐसे ही, मैंने पूछा था कई लोगों से तो बताया कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हैं सिंपल तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो ये मान लीजिए GKGS में आप बहुत पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा आप पढ़े होंगे, तो हो सकता है आपके 35+ नंबर तक आ जाएं, बहुत ज़्यादा आप पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा, 35+ नंबर भी आ सकता है। या एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज जो नंबर यहाँ पर GKGS नंबर आएंगे, तो GKGS में जो एवरेज लोगों के नंबर आते हैं वो भैया 10 से लेकर के 20 के बीच में नंबर आते हैं GKGS में। एवरेज जो नंबर आते हैं GKGS में कितने नंबर आते हैं, 10 से लेकर के 20 में। अब 10 20 के बीच नंबर आते हैं, ठीक है, GKGS में मैक्सिमम 20 तक आता है एवरेज में, और बाकी मैक्सिमम मैंने बताया 30 35 नंबर भी लोगों के आ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पढ़ा होगा, बाकी 20 नंबर तक लोगों के नंबर अच्छे खासे आ सकते हैं। तो ये था GS का। GS में भी ऐसा देखो, आप हो सकता है पहली बार दे रहे हो, मैं आपको बता दूँ मैं तकरीबन 3-4 साल 5 से 6 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मैं GS का पैटर्न देख रहा हूँ, हर बार GS ऐसे ही आता है। GS में ज़्यादा नंबर आप बनाने की कोशिश मत करिए कभी भी, ना GS को आप उतना तवज्जो दीजिए, GS में आपको ज़्यादा नंबर आ सकता है, बस GS ये है कि आप एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले थोड़ा बहुत 1-1 घंटा आधा आधा घंटा पढ़ते रहें, आपका काम GS में हो जाएगा, 15 से 20 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। कोई ऐसा होगा साल भर पढ़ेगा, कोई होगा लाट के 1-2 महीने पढ़ेगा तब भी उतना नंबर ले आएगा। तो GS का ये पैटर्न रहता है। अब बात करते हैं टेक्निकल की, टेक्निकल का क्या रहने वाला है रुझान, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टेक्निकल की, TECH टेक्निकल, टेक्निकल में आपका 100 क्वेश्चन आया था, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल में आया था। इस बार जैसा मैंने अनुभव किया कि टेक्निकल के अंदर आपका वन लाइनर क्वेश्चन मतलब देखते ही, वन लाइनर क्वेश्चन मतलब कि देखते ही आप उनको उड़ा दें। देखो मैं जो लिख रहा हूँ, हो सकता है ये फॉन्ट अच्छा ना जा रहा हो क्योंकि इस बोर्ड पे पेन नहीं काम कर रही है, फिंगर का यूज़ करके मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है जो मैं लिख रहा हूँ वो ना जा रहा हो, पर आप मेरी बातों को सुनिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद इसी में आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और कुछ इसी में आपका फार्मूला बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर कुछ इसी में आपको कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस बार टेक्निकल पूरा मिक्सअप था। पहले क्या होता था 22-23 में, जो अभी 2 साल पिछला गुजरा हुआ है, क्योंकि जो पढ़ाई आती है संस्था में कोचिंग्स वगैरह में, या फिर आपका जो टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करता है क्वेश्चन, हाँ टेक्स्ट बुक का मैं यहाँ पे कहूँगा कि टेक्स्ट बुक जो आप टेस्ट डिज़ाइन करता है, काफ़ी उसमें क्वेश्चन असर्शन रीजन के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जब हम जब लोग टेस्ट देते हैं तो हम ये लिख टेक्स्ट बुक को ही कहते हैं यार भाई टेस्ट बहुत हार्ड है, बहुत ये है। एक्चुअली वो हमको एक तरीका सिखा देता है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आए, भले ही वहाँ पर नंबर कम आते हैं, मुझे पता है आई नो कि नंबर वहाँ पर टेक्स्ट बुक नंबर कम आते हैं, पर ये बात यह है मेरे भाई कि आप जब ऐसे क्वेश्चन के साथ टैकल करना सीख जाते हो तो आपके सामने ये जो समस्याएं हैं कि भैया असर्शन रीजन आ गया, स्टेटमेंट आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गए, हमसे नहीं बन पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो होता वही सब कुछ है। अगर वही क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछूँ कि कोई क्वेश्चन आपका है, कोई आपका क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, पूछा गया कि यहाँ पे आपका कोई बात पूछी गई और उसका आंसर आपको 4 विकल्प देगा, आपको पता है कि हाँ इसमें से 1 विकल्प ये होगा,
ठीक है। अब स्टेटमेंट दे दिया गया, वहाँ क्वेश्चन लिख दिया गया, स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट दे दिया, अच्छा हाँ इनमें से कौन ये नहीं है, इनमें से कौन ये नहीं है, तो उसमें से आपको ऐसे क्लिक कर देना रहता है, और फिर चार विकल्प दे दिया गया, तो वहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार इसका ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो जो जनरल क्वेश्चन वो लाइन क्वेश्चन थे लगभग, मतलब अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये मान लीजिए 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक मान लीजिए कि ये आन एंड एवरेज क्वेश्चन थे, कि मतलब हाँ आप उनको देखो और कर दो, और ऐसे भी नहीं था कि हाँ आप मतलब जो है बिल्कुल से एकदम उठा के ऐसे कर दोगे, तो मतलब जो था वन लाइनर क्वेश्चन जो था, मतलब अगर आपने पढ़ रखा है आपको चीज़ें डेटा तैयार है, फार्मूले कुछ ऐसे फार्मूलेज के बेस क्वेश्चन थे, अगर आपने उनको कर रखे हैं तो उस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन था। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपका मान लीजिए 43 क्वेश्चन में आपका रहने वाला था, असर्शन रीजन क्वेश्चन था और फार्मूला क्वेश्चन था। और एक बात और मैं देखता हूँ कि जैसे कि होता क्या है, अमूमन इरीगेशन हो गया, वाटर, और इस बार इन्वायरमेंट का जो सेकंड पार्ट होता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो इन सब चीज़ों को उतना लोग कम तवज्जो करते हैं जितना आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, या फिर बीएमसी टॉपिक हो गया, या फिर आपका ये सब चीज़ें होती हैं, इनको लोग कम तवज्जो देते हैं, इनको लोग क्या करते हैं कम मतलब इनको जो ज़्यादा तवज्जो देते हैं इस सब्जेक्ट को, पर इस बार इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे ही नहीं है, क्वेश्चन इरीगेशन से क्वेश्चन थे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन थे, आरसीसी के क्वेश्चन ऐसे थे, फिर उसके बाद आपका हाईवे का क्वेश्चन था, डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन था, कुछ वैसे भी क्वेश्चन था, हाईवे ज्योमेट्री क्वेश्चन था आपका, मतलब ठीक है, तो इस तरीके से थे जो मतलब जनरल, जो जनरल आपका होता है पेपर, जनरल आपके जो क्वेश्चन आया करते हैं वहाँ से इस बार क्वेश्चन नहीं आया था। तो कहने का मतलब ये है कि करने को अटेम्प्ट तो यहाँ पे बहुत से लोग मतलब अटेम्प्ट कर सकते, खुद मैंने लगभग मैं करता चला गया, मुझे पता नहीं चला कि हाँ, अब वो मैं कॉलेज में से क्वेश्चन था, मैं करता चला गया यहाँ मुझे पता ही नहीं चला, मैंने भी यहाँ पे कम से कम टेक्निकल में 90 नंबर तक अटेम्प्ट कर दिया है और 50 क्वेश्चन वहाँ कर दिए थे, क्या कहते हैं कि आपका रीजनिंग के अंतर्गत, जीएस में भी मैंने कर दिया था 32 क्वेश्चन तक कर दिया था, ठीक है। तो ये 172+ नंबर अटेम्प्ट हो जाता है, 172 तक अटेम्प्ट हो जाता है। तो इस तरीके मैंने अटेम्प्ट तो मैंने भी कर दिया 172 तक। अब इसमें देखना है कि कौन कितना गलत होता है कितना सही होता है। मैं पहले मैंने रीजनिंग किया, फिर मैं जीएस करता चला गया, जीएस में जब करता चला, फिर उसके बाद सॉरी मैंने पहले रीजनिंग किया, फिर उसके बाद मैंने टेक्निकल किया, टेक्निकल में करता चला गया जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे वो भी थोड़ा उसमें टाइम लग रहा था, पर जो कुछ लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत डाउट्स, तो उसको भी मैंने करते चले गए, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, ऐसा है नहीं कि हाँ आप बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि मुझे अपनी एक्यूरेसी पता है, मैं जब फुल टेस्ट देता था, जब भी लाइव टेस्ट होता था उसमें मैं जितना अटेम्प्ट करता था मेरे नंबर कैसे बनते, मैं कहाँ गलत होते थे, इसलिए कहा जाता है कि आप टेस्ट दो, टेस्ट देने से आपको मालूम पड़ता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हम इतना अटेम्प्ट करें हमें कितना नंबर आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम अपना अटेम्प्ट करते हैं। बाकी जो आप लोग पूछे सेफ स्कोर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, तो ये सब सेफ अटेम्प्ट वगैरह डिपेंड करते हैं आपके अपने खुद के प्रैक्टिस के ऊपर, कि हाँ आपको पता क्या है कि हम कितना करते हैं हमारा कितना गलत। तो मैं कह दूँ सेफ अटेम्प्ट 180 होगा, तो आप 180 अटेम्प्ट कराओगे, नहीं 180 अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है अगर 180 अटेम्प्ट करोगे उसमें अगर 50 गलत हो गया तो क्या मतलब है ऐसे अटेम्प्ट करने का। तो आप अपने एक्यूरेसी के हिसाब अपना अटेम्प्ट करते हो, और इस बार भी टेक्निकल जो था वेंडर चेंज हुआ था तो अच्छा खासा टेक्निकल बना था, ऐसा नहीं था कि हाँ आप उठा करके करते चले जाओगे, ऐसी बात नहीं थी। जिन्होंने अगर इसमें समय बता रहा टेक्निकल में अगर 60+, मैंने कम्युनिटी पर डाला भी था, अगर आपके 60+ भी नंबर यहाँ बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं, मतलब काफ़ी अच्छे क्या बहुत ही गुड नंबर हैं 60+ नंबर अगर बन रहे हैं। तो इतना आसान नहीं था टेक्निकल जितना लोग बताया जा रहा है कि टेक्निकल आपका सब है, तो इतना आसान नहीं है। और जो है क्योंकि असर्शन रीजन जब आ जाता है वहाँ दिमाग कम काम करता है, असर्शन रीजन में क्या होता है कि पता सब होता है पर डाउट रहता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं तक इनकरेक्ट आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, कुछ डायरेक्ट फार्मूला भी क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे शिफ्ट में एक ACA निकालने का क्वेश्चन था, एक मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो थे निकालने के, तब बाकी कर दिया गया है अटेम्प्ट, बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, और अटेम्प्ट मैं यही कहूँगा कि अटेम्प्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रॉ मार्क्स, कभी भी रॉ मार्क्स बराबर नहीं होते हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी आंसर की आएगी, जो आपकी आंसर की आएगी उसके ऊपर कि हाँ आपके कितने बाकी बनते हैं, उस हिसाब से आपकी आगे की रणनीति रहने वाली होगी। तो यहाँ पे यही मैं कहूँगा कि जो निष्कर्ष यहाँ से ये निकलता है कि समय दर समय कभी आपका रीजनिंग देखो आसान आता है, तो कभी आपका
टेक्निकल लो आता है कभी। देखो जीएस का मैं उतना तवज्जो नहीं मानता, जीएस को लोग उतना कम फोकस भी करते हैं। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, साल भर पढ़ते हो, आप साल भर करंट अफेयर पढ़ते हो। मैं अपनी बताऊं, मैंने एक साल पूरे साल भर करंट अफेयर पढ़ा था, उस साल में जब एग्ज़ाम बैठा था एक भी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आया था। तभी से मैं जीएस को उतना तवज्जो मैं भी नहीं देता हूँ कि हाँ जीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो आपके इंपॉर्टेंस रोल पैदा करेगी टेक्निकल और रीजनिंग पैदा करेगी, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो 100-200% आपके नंबर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पर जीएस में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है बस। हाँ लेकिन मैं कहूँगा हाँ थोड़ा बहुत आधा घंटा एक घंटा पढ़ते रहो ताकि मतलब जो 10-15-20 नंबर का वो तरीका है वो आपका आ जाए। जब आप पढ़ोगे ना तो काफ़ी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो उसमें 50 में से 10-15-20 नंबर आप कर ही लोगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो मैं जीएस के लिए नहीं बोल दूंगा, पर जो रीजनिंग का टेक्निकल का पैटर्न होता है ये वेरी किया करता है। अभी दो पिछले दो सालों में जो 22-23 का टेक्निकल रीजनिंग का हुआ पैटर्न था उसमें काफ़ी टफ रीजनिंग आ रही थी, मतलब 40-42 नंबर लाना, 44 नंबर तक लाना या करना ही बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ पे जो इस बार वाले रीजनिंग में लोग 50 नंबर अटेंड कर रहे हैं। पर आगे अभी जब 2025 में जो लोग तैयारी करेंगे तो वो क्या 2023 के 24 के पैटर्न को ही फॉलो कर लेंगे? नहीं, आपको मैं बता दूं ना कि अब आपको हर एक तरीके से तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि इस बार देखो सॉइल बीएमसी से क्वेश्चन नहीं आया, अब क्या अगले साल सॉइल बीएमसी नहीं पढ़ोगे? अब पिछली बार सोम से 3 क्वेश्चन आए थे, इस बार सोम से भर भर के क्वेश्चन आए थे। 2023 वाले सेट में देखोगे 3 क्वेश्चन आया था और इस बार सोम से भर भर के क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं कि कैसे क्या है, तो मतलब यही कहना चाहूँगा मैं टेक्निकल के ऊपर। सबसे पहले बोलता हूँ कि टेक्निकल में आपकी अब क्या पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जो भी लोग 2025 की तैयारी करेंगे, जो आगे की रणनीति बना रखे होंगे, कि आपको हर एक चीज़ पे, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई को पढ़ लो, पिछले ट्रेंड को पकड़ लो कि हाँ पिछले ट्रेंड में ऐसे ऐसे था, ये चीज़ें हो रही थी, आप ऐसे पढ़ो। नहीं, आपको हर एक आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो सिलेबस हैं, उनको अच्छे से गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उन्हीं को आपको पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें थी। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब प्रैक्टिस करने मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक पे हर एक प्रैक्टिस करनी होगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने होंगे, तब जाकर के वहाँ रीजनिंग बढ़ने वाली, क्योंकि सारा एक्सरसाइज समय का है। तो ओवरऑल ये मेरी तरफ से शिफ्ट का एनालिसिस था, जो चीज़ें मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मैं अनुभव किया बता दिया हूँ। बाकी 2025 में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी वो सारी बातें अपनी वीडियो में नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।